नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सबका। मेरा नाम है लोकेश और स्वागत है आपका हमारे एक्सरसाइज सीरीज में। तो आज हम करने वाले वन आर्म डंबल रोइंग, या जिसको बोलते हैं सिंगल आर्म डंबल रोइंग। ये जो एक्सरसाइज है, ये आपके जो लैट्स है, मतलब जो लोअर लैट्स होते हैं आपके बैक मसल में देखोगे तो लोअर बैक अलग है और लोअर लैट्स जो मसल है वो अलग है। लोअर बैक आपका ये सेंटर का मसल हो गया और लोअर लैट्स ये साइड्स है, मतलब जो विंग्स निकलते हैं ना वो, उसको डेवलप करने के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब होता क्या है, आप बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स का या बहुत सारे लोगों का देखोगे, उनका अपर बैक काफ़ी स्ट्रांग होता है लेकिन जो लोअर लैट्स है उसका डेवलपमेंट ही नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वो इस मसल को प्रॉपरली हिट नहीं कर पाते। अब हिट ला करने का रीज़न क्या होता है कि आपका वही वर्कआउट का फॉर्म सही नहीं है। तो आज के वीडियो में हम वन आर्म डंबल रोइंग कैसे परफॉर्म करते हैं उसका सही फॉर्म सीखेंगे, ताकि आप अपने लोअर लैग्स का जो मसल है उसको अच्छे से टारगेट कर पाएँ और उसका डेवलपमेंट सही तरीके से कर पाएँ। तो बस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेटअप की। सेटअप के लिए आपको एक डंबल चाहिए, उसके अलावा एक फ्लैट बेंच चाहिए। आपको अपना सेटअप रेडी करना है। सेटअप में आपका नी, एक जो नी है वो नी बेंच पर रहेगा और दूसरा जो फुट है वो नी के पैरेलल रहेगा। मतलब इसको बहुत आगे भी नहीं रखना है, बहुत पीछे भी नहीं रखना है, एज ए ट्राइपॉड अपने बॉडी को यूज़ करना है। उसके बाद आपका आर्म्स यहाँ पर रहेगा। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपको याद रखना आपका वेस्ट, एल्बो और शोल्डर, ये तीनों एक लाइन में होना चाहिए। मतलब ये अभी एक लाइन में हो गया तीनों। बहुत सारे लोग इसको ऐसे परफॉर्म करते हैं या फिर इसको ऐसे परफॉर्म करते हैं, तो दोनों चीज़ें गलत हैं। आपका विस्ट, एल्बो और शोल्डर तीनों एक लाइन में होना, देन डंबल को ग्रिप करना है, शोल्डर्स को पीछे रिट्रैक्ट किया और देन इसको एल्बो को पीछे की तरफ लेके आना है, ठीक है। अब इसमें मेजर मिस्टेक क्या होती है, सबसे पहले होती है डंबल की। डंबल को लोग क्या करते हैं, डंबल को लोग आर्म से पुल करने की कोशिश करते हैं, मतलब ये। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका एल्बो क्लोज आ रहा है। एल्बो आपका क्लोज नहीं रहना चाहिए, आपका एल्बो हर एक्सिस के समान 90 डिग्री जाना चाहिए। ये मतलब कि डंबल पीछे की तरफ लाना है। पीछे की तरफ लाने से क्या होगा, आपका जो लैट्स का जो मसल है वो अच्छे तरीके से टारगेट हो पाएगा और आपके बाइसेप्स पे प्रेशर कम आएगा। अगर आप डंबल को क्लोज लेके आते हो तो बाइसेप्स पे ज़्यादा प्रेशर आता है, ना कि लैट्स पे। और उसके बाद सेकेंड मिस्टेक क्या होती है, सेकेंड जब हम डंबल पुल करते हो, ठीक है, आपने पॉस्चर ले लिया सही, शोल्डर्स आपके रिट्रैक्ट हैं, अब जब डंबल ऊपर लाए तब ठीक है, और जब नीचे लेके आ रहो तो शोल्डर्स को पूरा छोड़ देना। ये भी अगेन कॉमन मिस्टेक है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आपको शोल्डर्स को पूरा नहीं छोड़ना है, आपको शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करके रखना है और फिर डंबल को पीछे लेके आना है। आपको जस्ट इमेजिन करना है कि आपका जो एल्बो है उसको, मतलब कोई पीछे से पुल कर रहा है, यहाँ पे किसी ने रोप बांध लिया है, देन आपका एल्बो कोई पीछे पुल कर रहा है। तो अगर आप ऐसे सिर्फ एल्बो पे फोकस करके एल्बो को पीछे लेके जाते हो तो आपका लैट्स पे जो एंगेजमेंट है वो ज़्यादा होगा। एक और मिस्टेक होती है, आपका जो स्पाइन है उसको राउंड रखना। आपने जब पोजिशन ले लिया तो आपका जो स्पाइन है, मतलब आपका हेड, शोल्डर्स और लोअर बैक, ये तीनों एक लाइन में ऐसे होना चाहिए। ये बैक राउंड नहीं होना चाहिए और कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो आपका कोर टाइट होना चाहिए। अब कोर टाइट रखने से क्या होता है, आपका लोअर बैक ला ऊपर आएगा, ला ज़्यादा अंदर की तरफ आएगा, आपका बैक न्यूट्रल रहेगा जैसे उसको होना चाहिए। और थर्ड, आपने देखा होगा सब लोग जब परफॉर्म करते हैं तो आपका फेस, ये हेड जो है वो सीधा होता है, तो हेड को सीधा ही रखना चाहिए। आप कोशिश कीजिए आपका जो आई कॉन्टेक्ट है, मतलब जो हेड का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ हो। नीचे की तरफ रखने से आप ज़्यादा फोकस रहोगे, उसके बाद आपका जो स्पाइन का अलाइनमेंट है वो सही रहेगा और आपका लैट्स पे जो एंगेजमेंट है वो अच्छा ना बेटर तरीके से माइंड मसल कनेक्शन बन जाएगा। और उसके बाद आता है शोल्डर का एंगल, जब आप इसको पुल करते हो पीछे की तरफ, ठीक है, आपने एल्बो को पीछे की तरफ पुल किया। अब इसमें होता क्या है, कॉमन मिस्टेक, आप एल्बो को ऐसे सीधा लेके आते हो, मतलब शोल्डर के एकदम क्लोज, तो इससे आपका जो लैट्स है वो उस पर लोड कम आते हुए आपका जो रियर डेल्ट है उस पर ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो एल्बो को स्लाइटली थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं रखना है, थोड़ा सा स्लाइटली बाहर की तरफ रखोगे तो आपका जो लोअर लैट्स है वो अच्छे तरीके से टारगेट होगा। और उसके बाद एक और मिस्टेक होती है, बॉडी को कितना मतलब नीचे बेंड कर रहा है। आप देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब इस एंगल पे बॉडी को ट्रेन करते हैं, तो उससे भी आपका जो लैट्स का मसल है उस पर प्रेशर ना आके आपका जो अपर बैक है उस पर ज़्यादा प्रेशर आता है। प्लस स्पाइन को फ्लोर के पैरेलल रख के फिर ट्रेन करना है। अब आप इस एंगल पे ट्रेन करते हो तो आपका लोअर लैट जो है वो अच्छे तरीके से टारगेट होता है।
और लास्ट मिस्टेक होती है, सबसे मतलब छोटी मिस्टेक है लेकिन ये बहुत मेजर चेंजेस लाएगी आपके लैग्स के डेवलपमेंट पर। ये आपका शोल्डर्स का डिप्रेशन, मतलब ये शोल्डर अगर आपके ईयर के क्लोज है, अब आप ऐसे ट्रेन करते हो, अगर डंबल्स को पीछे लेके जाते हो तो आपका लैग्स एंगेज ही नहीं होगा। लैग्स को एंगेज करने के लिए आपके शोल्डर के पॉस्चर का सही रहना ज़रूरी है, तो आपको जस्ट सिंपली अपने शोल्डर्स को डिप्रेस करना है। शोल्डर्स को पीछे लेके गए, ये आप पीछे लेके गए, अब आप जस्ट आप इसको अगर पीछे लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको फील हो जाएगा कि आपका लैग्स एंगेज हो गया। अब आप उसके बाद जब परफॉर्म करोगे तो आपको पहले ही रेप से आपका लैग्स का जो एंगेजमेंट है, जिसको माइंड मसल कनेक्शन बोलते हैं, माइंड मसल कनेक्शन बेटर फील होगा। लैग की डेवलपमेंट के लिए मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, आपके फॉर्म का बिल्कुल सही होना, क्योंकि जो भी फ्रंट की जो भी एक्सरसाइज है, मतलब चेस्ट की होगी या लेग्स की होगी, उसमें आपको मिरर में आपका बॉडी दिख जाता है, तो माइंड मसल कनेक्शन बहुत ईजीली हो जाता है। अगर फॉर्म का भी 19-20 कुछ गड़बड़ होता है तो आप करेक्ट कर लेते हो, लेकिन बैक के साथ आपको अपना बैक नहीं दिखता है, तो बैक के साथ माइंड मसल कनेक्शन बनाने के लिए आपके फॉर्म का एक्यूरेट रहना, बस अभी सही वर्कआउट परफॉर्म करके दिखा दो, आपको भी सही वैसे ही वर्कआउट परफॉर्म करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वन आर्म डंबल रोइंग कैसे करते हैं, कितना आसान होता है इसको परफॉर्म करना है। तो और एक और मेजर मिस्टेक होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, बहुत ज़्यादा वेट को पुल करना। तो जब भी कोई हैवी वेट ट्रेनिंग की बात करता है तो इसका मतलब यही नहीं कि आप बहुत ज़्यादा वेट को लिफ्ट करें, आपको लाइट वेट से, मतलब ऐसा वेट जिसमें आपका फॉर्म और पोस्चर कॉम्प्रोमाइज ना हो, वैसे आपको पहले अपना फॉर्म और पोस्चर उसको मास्टर करना है, उसको सही तरीके से परफॉर्म करना है, उसके बाद अपना वेट्स बढ़ाते हुए जाइए। तो ये एक सही तरीका होगा आपको आपको कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करने का, अपने मसल के डेवलपमेंट का और खुद को इंजरी से बचाने का। इसके अलावा मैंने और भी वीडियो बनाए हुए हैं कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज पे, जैसे कि डंबल चेस्ट प्रेस हो गया या डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गया, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं एक्सरसाइज सीरीज में। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी किसी भी एक्सरसाइज में, कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज में या जो भी सिंपल एक्सरसाइज होगी उसमें अगर आपको वीडियो चाहिए कि वो एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करते हैं, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।